हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का हमारे एस के इलेक्ट्रिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है हमारे पास अभी एक पार्सल रिसीव हुआ था, हमें बिहार से था। जो उसके अंदर दो पीसीबियां थी, एक इंडोर की थी एक आउटडोर की थी। इंडोर की पीसीबी में कुछ पार्ट जो है डैमेज हुए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि हमारे कस्टमर को भी पता रहे जिन्होंने भेजी है। क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि वो बोल देते हैं कि नहीं सर, ये पहले से नहीं था, बाद में हुआ होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो चलिए मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। देखिए, ट्रांसपोर्ट में आप जब भी हमारे पास पीसीबी भेजते हैं तो पीसीबी को थोड़ा सेफली तरीके से पैक करके भेजें। पीसीबी को जब भी भेजें, पीसीबी के नीचे जरूर फॉर्म लगाएं, या नीचे गत्ता लगाएं, या पेपर लगाएं, नीचे अच्छे से लगाएं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अखबार को जो है डबल ट्रिपल करके इसके चारों तरफ लगा सकते हैं, वो दी बेस्ट रहेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख लीजिए, ये वाली पीसीबी है, ठीक है। ये था इसका रिमोट, और ये आउटडोर की पीसीबी, ये इंडोर की पीसीबी है। इंडोर की पीसीबी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ से जो है ये डैमेज हुई हुई है, ठीक है। मैं थोड़ा टेस्ट ले लेता हूँ ताकि दिखाने में आसानी रहे। तो देखिए, यहाँ से एक ये डायोड फट गया है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, यहाँ से डायोड फट गया। ये दोनों ऑप्टोकपलर जो हैं उतर गए हैं, ठीक है। ये टांग थोड़ी सी बची हुई है इनकी, बाकी ये उतर गई है। और इन ऑप्टोकपलर पे भी सारा जोर पड़ा हुआ है, ये भी टेढ़े हो चुके हैं, और ये ऑप्टोकपलर तो उखड़ी गया है, ठीक है। इसको भी दोबारा सेट करके लगाना पड़ेगा। तो जब भी आप कोरियर में कोई भी चीज़ पैक करके भेजें, रिक्वेस्ट आपसे, तो उसको जो है थोड़ा तरीके से भेजें। तो चलिए आज इसको जो है थोड़ा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी जो है थोड़ा ब्लैक हुआ हुआ है, यहाँ पे ब्लास्ट हुआ हुआ है। ये किस चीज़ का कनेक्टर है, 12 वोल्ट ग्राउंड रीसेट, ठीक है। ये तो उसका है, प्रोग्रामिंग का है। यहाँ से पता नहीं क्यों ब्लैक ब्लैक हो रखा है। चलो, जो भी फॉल्ट होगा इसमें ढूंढेंगे, देखेंगे। तो चलिए इसको रिपेयर करना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले तो ये सेटिंग करेंगे जो इनके उखड़े हुए हैं कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम अपना आयरन स्टार्ट कर लेंगे। ये डिजिटल वाला हमारे पास आयरन है, इसके अंदर जो है आप इसका टेम्परेचर अपने हिसाब से अकॉर्डिंग जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मैंने जो इसका 396 के करीब रखा है, 396, ठीक है। ये मुझे बहुत बढ़िया लगा आयरन, और बिल्कुल लाइट वेट है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके खरीद सकते हैं। बहुत बढ़िया आयरन है, चलने में भी और लाइट वेट भी है। मुझे बहुत बढ़िया लगा ये आयरन। और ये हमारे पास शोल्डर पेस्ट है, ये देख सकते हैं। इस पेस्ट को जो है हम आईपीएम निकालने के लिए भी यूज में लेते हैं, और प्लस हम जो भी काम करते हैं इससे करते हैं। इसके कई बेनिफिट है हमारे इस पेस्ट के बारे में, जो वीडियो हम आगे बनाएंगे नेक्स्ट, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो चलो अभी जो है इसे निकाल लेते हैं। कुछ चीज़ चाहिएगी हमें निकालने के लिए, इसे दबाना पड़ेगा तभी जो पेस्ट बाहर आएगी इसमें। अभी ठंड का मौसम है, थोड़ा ऐसे दिक्कत करती हैं चीज़ें। तो वीडियो हमारी लंबी ज़रूर होगी, पर आपको बहुत नॉलेज दे के जाएगी ये वीडियो। तो हम सब जगह लगा लेते हैं, इसके सारे पैर शोल्डिंग कर लेंगे अच्छे से। मेन तो जो है ऑप्टो कपलर का जो है कांड हो गया है, बढ़िया वाला कांड हुआ है, और इस बेचारे ड्राइवर की तो हालत ही खस्ता कर दी है। बहुत बढ़िया, क्योंकि कोरियर में इतनी लंबी चीज़ आनी तो थोड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि हम भी किसी के पास पैकिंग करके भेजते हैं। अगर कोरियर अच्छे से पैक होके जाता है हमारा बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि चीज़ डैमेज पहुँची तो कस्टमर की चलेगी नहीं। तो अभी हम जब इसे पैक करके भेजेंगे तो बढ़िया तरीके से पैक करके भेजेंगे। चलिए, अभी हमारा शोल्डिंग हो चुका है। अगर आप ये पेस्ट, ठीक है, ये वाली आपको मार्केट में शायद ना मिले, और ये वाला भी, इन दोनों का मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर जो है खरीद सकते हैं इन्हें। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, पर देखना जरूर। ये बिल्कुल ही फट गया है भाई साहब, क्या बात है। तो लगाना अब थोड़ा मुश्किल रहेगा, कोशिश करेंगे इसी को ही लगाएंगे हम बढ़िया तरीके से। अभी हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अगर प्रॉब्लम लगी तो छेड़छाड़ होगी, नहीं तो हम सब कुछ वही कंपोनेंट एज इट इज लगाएंगे। देख सकते हैं ये शोल्डरिंग आयरन बहुत बढ़िया का तरीके से काम करते हैं, और उसके में आपको कई फीचर भी है, वो आगे चलकर एक कभी ना कभी स्पेशली एक वीडियो बनाएंगे, वो उसमें दिखाएंगे आपको।
दोस्तों हमारे जो कंपोनेंट हैं बिल्कुल अच्छे से जो है सारा के सारा शोल्डिंग हो चुके हैं। हमारा डायोड भी शोल्डिंग हो गया है, ऑप्टो कपलर भाई ये वाला, दोनों ये वाले ऑप्टो कपलर और ये दोनों हमने जो है अच्छे से शोल्डिंग कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम जो है इस डायोड की रीडिंग चेक करेंगे, ये डायोड ख़राब तो नहीं है। अगर इस वीडियो में जितना हम रिकवर करना चाहते हैं फॉल्ट को और सिस्टम को, जितना रिकवर होगा उतना करेंगे, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो का पार्ट बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। तो हम डायोड को चेक करेंगे क्या कहता है ये, डायोड ओके है या नहीं है। मीटर को डायोड मोड पे हमने लगाया, दूसरी साइड से चेक करेंगे तो डायोड रीडिंग ओके आ रही है, मतलब ठीक है। अभी हम ऑप्टो कपलर चेक कर लेते हैं, कोई शॉर्ट तो नहीं है, बस हमें शॉर्ट ही चेक करना है मेन, तो इसे कंटिन्यूटी मोड पर कर लेते हैं। शॉर्ट चेक करेंगे सबसे पहले तो हम, बाकी का चीज़ें बाद में रहेंगी। हमारा कोई भी डायोड जो है मुझे ऑप्टो कपलर शॉर्ट नहीं नज़र आ रहा, ओके है, ठीक है। तो चलिए अभी इस पीसीबी को जो हम सीरीज में चेक करेंगे, सीरीज में लगा के चेक करेंगे क्या ऑन हो रही है नहीं। अगर ये ऑन हो रही है तो इसमें आगे का क्या फॉल्ट है क्या नहीं, सेंसर वेंसर इसके सब कंप्लीट है। तो चलिए इसे सीरीज में एक बार चेक कर लेते हैं। इसके अंदर हमने सप्लाई लगा दी है दोस्तों, देख सकते हैं, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्पार्किंग होता हुआ, ठीक है। तो इसमें मैंने सप्लाई लगा दी है, सप्लाई लगाने के बाद हम इसे रिमोट से ऑन करके देखेंगे क्या रिस्पॉन्स देती है। तो इंडोर की पीसीबी जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, ठीक है। और इसे बटन से देखते हैं, तो ये बटन से भी सीरीज के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं है। शॉर्ट करके चेक कर लेते हैं एक बार हम चिमटी से स्विच को, अगर चल जाए तो की बात है। नहीं दोस्तों ये नहीं चली। तो सबसे पहले हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे, एसी और डीसी वोल्टेज चेक कर लेंगे, और इस कैपेसिटर पे हम चेक करेंगे सबसे पहले हम। पहले हम अपने हाई वोल्टेज चेक करेंगे यहाँ पे बन रहे हैं नहीं बन रहे, क्योंकि हमारी जो वोल्टेज रेक्टिफायर होकर जाती है, ठीक है, वो हमारे ब्रिज से होती हुई सीधी हमारे कैपेसिटर पे जाती है। तो हम कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करेंगे पहले, बाकी का प्रोसेस हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे आ रहे हैं, थोड़ा जो इसके अंदर लैगर लगा रहता है उसकी वजह से दिक्कत आती है। तो यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं, अभी हम चेक करेंगे कि हमारे डीसी वोल्ट बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। थोड़ा लैगर का प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे 12 वोल्ट बन रहे हैं। दूसरे कैपेसिटर पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे हमारे 5 वोल्ट बन रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ वोल्टेज जो है बिल्कुल प्रॉपर बन रहे हैं। अभी हम इसके जो है सेंसर पे वोल्ट चेक करेंगे कितने आ रहे हैं, इसके सेंसर निकाल लेते हैं, आगे का भी आपको प्रोसेस इसका दिखाएंगे क्या रहता है क्या नहीं। पहले जो मेन मेथड है चेकिंग का वो चेक कर लेते हैं हम इसका। तो यहाँ पे 5 वोल्ट मौजूद हैं, इसकी जो है डिस्प्ले अभी जो है काम नहीं कर रही है, वो देखेंगे क्या फॉल्ट है इसका डिस्प्ले का। हम डिस्प्ले का नॉर्मली जैक लगा के देखेंगे, हटा के लगा के, क्योंकि हम यही सबसे पहले चेक करेंगे, इससे आगे का फॉल्ट हम बाद में देखेंगे। इसका स्विच जो है वो भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, इसमें मुझे वही गड़बड़ लग रही है जो यहाँ पे ब्लास्ट था, देख सकते हैं यहाँ पे, ये ब्लास्ट की ही वजह हो सकती है सीपीयू का हमारा। बाकी इसका क्रिस्टल और चेक करेंगे, क्रिस्टल क्या कहता है इसका, क्रिस्टल इसका यहाँ लगा हुआ है, एक बार क्रिस्टल से पूछ लेते हैं इससे कि भाई तुम चलने नहीं दे रहे हो या फिर हमारे सीपीयू का फॉल्ट है, ठीक है। तो हम मीटर को डीसी वोल्ट पर रखेंगे और वोल्टेज चेक करेंगे, 2.5 वोल्ट है और इस साइड भी हमारा 2.5 वोल्ट है, 2.315,
2.121। बाकी दोस्तों अभी जो है इस क्रिस्टल को हम चेंज करके देखेंगे सबसे पहले, और क्रिस्टल को चेंज करने के बाद देखेंगे क्या कहती है पीसीबी। अभी जो है कुछ नहीं रिस्पॉन्स है, बाद में देखते हैं बाकी का, पहले क्रिस्टल ही चेंज करेंगे हम इसका। चलिए हम क्रिस्टल चेंज कर लेते हैं एक बार इसका। तो दोस्तों हमने इसके अंदर से जो है ये पुराने वाला था जो जीना डायोड था, सीनर जीना डायोड कह रहा हूँ, ये क्रिस्टल जो है हमने निकाल दिए हैं, और इसके जो है हम जो है दूसरा क्रिस्टल इसकी जगह लगाएंगे हम, ठीक है। ये क्रिस्टल जो है पुराना है, और देख सकते हैं इस क्रिस्टल में जो है, ये आपको नंबर दिखा दूं, ये 800 मेगाहर्ट्ज का है। अभी इसकी जगह हम ये नए वाला लगाएंगे, और जो है नए वाला बिल्कुल सेम है, जेन्युइन है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अगर हम जेन्युइन क्रिस्टल नहीं लगाते तब भी जो है हमारी पीसीबी ऑन नहीं होती। ये बहुत सारे रीजन होते हैं छोटे छोटे, और बहुत सारी पीसीबी ऐसी भी होती है जो नॉर्मल क्रिस्टल लगाने से भी चल जाती हैं, और कई ऐसी पीसीबी होती है उनको जेन्युइन क्रिस्टल ही चाहिए, जब तक जेन्युइन नहीं लगेगा तो वो काम ही नहीं करेगी, तो इसीलिए हमें जेन्युइन क्रिस्टल जो है मंगवा के रखने पड़ते हैं। एक बार देख लेते हैं इसको, नहीं तो फिर इसके बाद और इसका हम सिस्टम चेक करेंगे। तो चलिए इसकी हम डिस्प्ले लगा लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पे डिस्प्ले रख लेते हैं और चेक करते हैं क्या कहती है इसकी डिस्प्ले, और इसमें सप्लाई देता हूँ। तो दोस्तों देखिए डिस्प्ले ऑन हो गई है, और डिस्प्ले जो है फुल जो है एक ही दिखा रही है, कुछ नहीं अप डाउन कुछ भी नहीं कर रही है, ऑन ऑफ कुछ नहीं हो रही है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका मेन आईसी गया है, और अभी हम क्रिस्टल पे वोल्टेज चेक करेंगे। हमारी पीसीबी ऑन तो हो गई है, बट आगे का प्रोसीजर हम करेंगे तो तभी हो पाएगा जब हमें फॉल्ट पूरा मिलेगा तो की बात है। अभी हम इसे पहले एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं क्रिस्टल पे, 2.0084, 2.306। इसका मतलब हमारी जो है ये पीसीबी ख़राब है, डेड है, इसका जो है सीपीयू गया है। मैं तो बस सीपीयू डेड है इसका मेन। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, अभी हमारे पास जो है आउटडोर की ये पीसीबी पड़ी है, इसे रिपेयर करना है, इसको भी हम चेक करेंगे और देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू, बाय बाय।